हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सब एल्गोरिथम क्या होती हैं और सब एल्गोरिथम को कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि सब एल्गोरिथम जो है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सब एल्गोरिथम को बेसिकली वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। सब एक तो हो गया आपका फंक्शन सब एल्गोरिथम, फंक्शन सब एल्गोरिथम, और सेकंड हो गया आपका प्रोसीजर सब एल्गोरिथम। ठीक, तो आज हम इन दोनों एल्गोरिथम को एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि फंक्शन सब एल्गोरिथम में हमने देखा था कि इट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। ठीक है, कि फंक्शन सब एल्गोरिथम जो है ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है मेन एल्गोरिथम को, जहां से ये कॉल किया गया है, और जबकि प्रोसीजर एल्गोरिथम जो है ये मोर देन वन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, मोर देन वन वैल्यू रिटर्न कर सकता है कॉलिंग प्रोग्राम को या कॉलिंग एल्गोरिथम को। तो यही डिफरेंस होता है फंक्शन और प्रोसीजर सब एल्गोरिथम में। अब हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा एक एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि कोई सब एल्गोरिथम दिया हुआ है और उसमें आपको मान लीजिए तीन नंबर दिए हैं और हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है इन तीन नंबर का। तो सपोज कीजिए हमने क्या किया कि ऐसे फंक्शन लिखा, फंक्शन सॉरी, मान लीजिए सब हम सब एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो हम उसको एल्गोरिथम तो लिखते नहीं, हमने उसको लिखा से फंक्शन, हमने ऐसे लिखा फंक्शन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी नंबर हमने डाल दिया। मान लीजिए कि से ये सेकेंड चैप्टर का थर्ड फंक्शन, थर्ड एग्जाम्पल, तो हमने लिख दिया 2.3, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नंबर आपके ऊपर है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, फंक्शन का नाम हमने रखा से मीन। ठीक, और इसमें वैल्यू कौन सी पास की हमने, ए बी और सी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या करता है, फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि सेट हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू निकालना है ए बी ई, ये एक वेरिएबल लिया, एवरेज इक्वल टू हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3, तो इससे हमारा एवरेज निकल आएगा और इसको हम रिटर्न करा देंगे। तो इसको हमने लिख दिया रिटर्न और एवरेज, ये तो ये एक फंक्शन बन गया जो तीन नंबर्स ए और बी सी के एवरेज निकाल के हमें दे देगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए मीन क्या है, इस पे ये जो हमने लिखा है इसमें ये मीन क्या है, ये फंक्शन का नाम है, मीन इज द नेम ऑफ द सब एल्गोरिथम। ठीक, ये क्या हो गया, ये हम आपको लिख दे, दिस इज द नेम ऑफ सब एल्गोरिथम। ठीक है, और ए बी और सी क्या है, ये इसके पैरामीटर्स हो गए, ये क्या है पैरामीटर्स। ठीक है, अब द रिटर्न स्टेटमेंट इंक्लूड्स इन पैरेंथेसिस द वेरिएबल ए बी ई हुज वैल्यू इज रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम। अब रिटर्न स्टेटमेंट में ये जो ए वी वैल्यू है ये वैल्यू रिटर्न होगी कहाँ पे, जहां से इस फंक्शन को, इस मीन सब एल्गोरिथम को कॉल किया गया है। तो द सब एल्गोरिथम मीन इज इन्वोक्ड बाय एन एल्गोरिथम इन द सेम वे एज ए फंक्शन सब प्रोग्राम इज इन्वोक्ड बाय ए कॉलिंग प्रोग्राम। तो अब इसमें क्या होगा, यानी जैसे ये मीन जो सब एल्गोरिथम है इसको कैसे हम कॉल करते हैं, जैसे किसी भी मेन प्रोग्राम में हम सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मान लीजिए हमने लिखा कि सेट, ये मान लीजिए किसी एल्गोरिथम की स्टेप हम लिख रहे हैं सेट, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है टेस्ट, और टेस्ट इज इक्वल टू हमने लिख दिया, और यहाँ हमने लिखा मीन, और यहाँ पे तीन वैल्यू दे दी T1, T2 और T3।
अब इस जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि ये जो T1, T2, T3 में जो भी वैल्यू है, मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कहा 4 है, 6 है, ठीक है, और 5 है, ठीक, ये तीन वैल्यू के लिए मीन कॉल किया जाएगा, यानी 4, 6, 5 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, 4, 6, 5 यहाँ पे इन तीनों का सम हो जाएगा, तो 4 और 6, 10, 5, 15/3 यहाँ आ जाएगा 5, यानी यहाँ आ जाएगा 5, और ये 5 फिर यहाँ से इसमें आ जाएगा, ठीक, मतलब ये समझ लीजिए कि ये T1, T2, T3 की जो वैल्यू है ये इसमें जाएगी, ए में, यहाँ से बी में, यहाँ से सी में, यहाँ एवरेज होगा इनका, डिवीजन होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, रिजल्ट 5 आएगा, ये रिजल्ट 5 किस में आएगा, एवरेज में, तो ये 5 आ गया यहाँ पे, और ये 5 यहाँ से जहाँ कॉल किया गया था टेस्ट में, यानी टेस्ट में 5 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सब एल्गोरिथम काम करता है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका फंक्शन सब एल्गोरिथम का, क्योंकि ये कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, केवल एक वैल्यू, ठीक। अब हम लोग दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आप देखते हैं कि दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि मान लीजिए द फॉलोइंग प्रोसीजर स्विच इंटरचेंजेस द वैल्यू ऑफ ट्रिपल ए एंड बी बी बी। अब हमें कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो मान लीजिए कोई वैल्यू है ए ए ए और कहीं पे वैल्यू है बी बी बी, इनको आपस में इंटरचेंज कर दे, मतलब इसकी जगह पे बी 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 हो जाए और इसकी जगह पे, सॉरी, इसकी जगह पे ए ए ए आ जाए, इंटरचेंज करना है हमें, ठीक। तो इस चीज का हम सब एल्गोरिथम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा प्रोसीजर और कोई भी हमने यहाँ आइडेंटिफाई नंबर दे दिया, मान लीजिए 2.4, ठीक। अब प्रोसीजर का नाम रखा हमने स्विच, और स्विच में हमने इसके दो आर्गुमेंट दिए ए ए ए और ये, ठीक। अब देखिए स्टेप वन में क्या होगा, कोई हमने वेरिएबल लिया टेम्प, और टेम्प इक्वल टू हमने लिख दिया ए ए ए, इसमें हमने स्टोर कर दिया, ठीक। उसके बाद अगला स्टेप, चाहे आप अगला स्टेप लिख लीजिए और चाहे आप यहीं पे कॉमा दे के दे सकते हैं, अगला स्टेप भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉमा दे के भी लिख सकते हैं। पहले ए ए ए को आपने स्टोर कर दिया टेम्प में, अब ए ए ए में जगह जो है उसकी जगह हमने ट्रिपल बी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब ट्रिपल बी वाली जगह पे टेम्प को ले आए, तो हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू टेम्प, ठीक। और फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि द प्रोसीजर इज इन्वोक्ड बाय मीन्स ऑफ ए कॉल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस जैसे इस प्रोसीजर को कॉल करना है या इन्वोक करना है या एग्जीक्यूट कराना है, तो हम क्या स्टेटमेंट देंगे, किसी भी सी प्रोग्राम में हम स्टेटमेंट देंगे कॉल, हम ऐसे लिखेंगे कॉल, और यहाँ हमने लिखा प्रोसीजर सब एल्गोरिथम का नाम स्विच, ठीक। और स्विच किसके लिए, सपोज कीजिए हमने कहा ये बी जी बैग और ए यू एक्स के लिए, ठीक। अब क्या होगा कि जब आप इसको कॉल करेंगे स्विच स्टेटमेंट को, तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो इंटरचेंजिंग द वैल्यूज ऑफ बी जी एंड ए यू एक्स, ए यू एक्स और बी जी की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। स्पेसिफिकली व्हेन द प्रोसीजर स्विच इज इन्वोक द आर्गुमेंट ऑफ बी जी एंड ए यू एक्स आर ट्रांसफर टू द पैरामीटर्स ए ए एंड बी 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 रिस्पेक्टिवली, द प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड विच इंटरचेंजेस द वैल्यू ऑफ ए ए एंड बी बी बी, देन द न्यू वैल्यू ऑफ ए ए एंड बी 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 आर ट्रांसफर बैक टू बी जी एंड ए यू एक्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि देखिए जब आप इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा
ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, देखिए बीईजी जाएगा, समझिए इसको, इसमें, और एयूएक्स जाएगा इसमें, ठीक। फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ये तीनों स्टेटमेंट आप समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिपल ए की जगह ट्रिपल बी आ गया और ट्रिपल बी की जगह ट्रिपल ए आ गया। और फिर जब ये रिटर्न होगा, देखिए रिटर्न वाला हम दूसरे उससे दिखा रहे हैं कि जब ये रिटर्न होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, बी 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 मतलब कि ए यू एक्स, और यहां आ जाएगा बी ई जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो, एक से ज्यादा वैल्यू मतलब दो वैल्यू पास हो रही है और दो वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए इसको प्रोसीजर सब एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक, क्लियर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट करने लायक, वो आप ध्यान रखिए। यहाँ से हमने कहा कि नोट, इसमें ये चीज ध्यान रखिए कि एनी फंक्शन सब एल्गोरिथम कैन बी इजली ट्रांसलेटेड इंटू एन इक्विवेलेंट प्रोसीजर बाई सिंपली एडजॉइनिंग एन एक्स्ट्रा पैरामीटर विच इज यूज टू रिटर्न द कंप्यूटेड वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। मतलब किसी भी फंक्शन एल्गोरिथम को अगर आपको ट्रांसलेट करना है किसमें, प्रोसीजर में, तो आप क्या कीजिए कि जो वैल्यू रिटर्न करानी है वो एक पैरामीटर और आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो फंक्शन सब एल्गोरिथम पढ़ा था हमने क्या, मीन, तो मीन में जैसे हमने मीन कॉल किया था ए बी सी के लिए, उसके साथ आप मान लीजिए ए के वैल्यू और आपने साथ ही में एवरेज भी ले लिया ऐसे, और जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कॉल, और आपने कॉल किया मीन को, और आप जो जैसे आप T1 T2 T3 ये तीन वैल्यू तो दे ही रहते हैं, साथ ही साथ आप इसको ये टेस्ट वाली वैल्यू भी दे दीजिए, ठीक। तो इससे क्या होगा कि इट विल हैव द सेम इफेक्ट ऑफ असाइनिंग द एवरेज ऑफ T1 T2 एंड T3 टू टेस्ट। तो इसमें जब आप रिटर्न कराएंगे ना, तो अपने आप इस टेस्ट में ये एवरेज वाली वैल्यू आ जाएगी, तो जब दो से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न होगी तो ये जो जो मीन हमारा फंक्शन प्रोसीजर था, फंक्शन सब एल्गोरिथम था जो हमने आपको बना के दिखाया है, इस तरह करने पे वो अपने आप प्रोसीजर में, प्रोसीजर सब एल्गोरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको फंक्शन सब एल्गोरिथम और प्रोसीजर सब एल्गोरिथम एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।